मगर हर टीवी चैनल पर दिखाया जा रहा है ये मुसलमान पत्थर फेंका, मुसलमान पत्थर फेंका। अरे जब पत्थर फेंकता है तो दो तरफ से पत्थर फेंके जाते हैं, एक तरफ से पत्थर नहीं फेंका जाता, दो तरफ से। पत्थर क्यों चला रहे थे? मैंने मेरे से सवाल पूछो, एक मिनट रुको, पत्थर कौन चला रहा था? आपने देखा मेरे को, आपका प्रूफ है, जो है प्रूफ, तो फिर आपको क्यों गिरफ्तार किया? पत्रियों के साथ साथ जो षड्यंत्रकारी हैं उनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी तथा उनके संपत्ति को भी जब्त या ध्वस्त कराया जाएगा। एनएसए लग जाता है पत्थर फेंकने वालों पर, सो कॉल्ड पत्थर फेंकने वालों पर। कल बदायूं में क्या एक्शन लिए? सस्पेंशन किया ना सर। क्या सस्पेंशन किया? सस्पेंशन है सस्पेंड, फिर तो आप सस्पेंड कर देना था कानपुर के बच्चों को भी। क्यों अरेस्ट करे उनको आप? क्यों अरेस्ट करे? केस बुक करे छोड़ देना था, अरेस्ट नहीं करना था। फिर कौन सा किया इसे? सस्पेंशन को आप एक्शन बोलते? मीडिया के दो आंख है मगर एक आंख इतनी मोहब्बत में डूब चुकी है बीजेपी के, और दूसरी आंख में मोदी का मोतिया उतर चुका है, तो उनको दिखता ही नहीं है। हर से पत्थर फेंके जाते हैं, और पुलिस का काम यह है कि जो पत्थर फेंकता उसको उठाओ आप, मगर यहां पर नहीं यही लोग किए, यही किए, यही पत्थर फेंके, पेट्रोल बम बनाए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए। याद रखो ये कहानी बहुत पुरानी हो चुकी है, इस कहानी को बदलो। तुम 40 साल से सिर्फ यही कहानी नहीं, मुसलमानी फेंका, मुसलमानी किया, तो क्या सबके दूसरे दूध के धुले हुए? मगर आप देखो कोई आवाज नहीं उठाता। उत्तर प्रदेश में समाजवादी के नेताओं के उनके लीडर के मुंह में दही जम चुकी है, जबान नहीं खोलते। एम टॉप बैंक्वेट हॉल स्टाइल फॉर ऑल तकारीब। एम टॉप बैंक्वेट हॉल में तकरीबन 400 तक 500 मेहमानों की गुंजाइश के साथ तमाम मौकों के लिए एक वर्सटाइल प्लेटफॉर्म पेश करते हैं। मजीद जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रابطہ कर सकते हैं।